हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने मम्मी टमी फैट को खत्म करने के लिए कुछ सिंपल से एक्सरसाइज लेकर आई हूं, जिसे आराम से आपको अपने घर पे लेट कर करना है। और इस एक्सरसाइज को करने से आपका जो मसल से पेट का वो टाइट होता है, पे खिंचाव पड़ता है और वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बहुत किसी का पेट या तो लटक जाता है या बहुत ज्यादा बाहर की ओर आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ मम्मी लोग ही कर सकती है जिनका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ और वो सिंपल तरीके से अपने पेट को कम करना चाहते हैं, बिना किसी उछल कूद के अपने मसल्स को टाइट करना चाहते हैं, तो वो सारे लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे पेट के मोटापे को हमेशा के लिए सिंपल तरीके से एक्सरसाइज के लिए आपको आराम से इस तरीके से पलथिया मार के बैठ जाना है। किसी तरह का कोई भी उछल कूद नहीं करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने पीछे से इस तरह से उंगलियों को जोड़ लेना है आपस में, सिर के पीछे से जैसे इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे से फंसा ले। सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए अपने सिर को इस तरीके से नीचे की ओर झुकाना है जितना आप झुका सकते हैं। फिर से सिर को ऊपर की ओर, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए जैसे इस तरीके से 1 2 3, कमर बिल्कुल सीधा रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है। बिल्कुल आराम से थोड़ा पीछे जाना है, धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से उठाना है, पैर के अंगूठों को देखते रहना है और पैरों को बिल्कुल सीधा करके यहाँ पे 10 सेकंड रुकना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड रुके फिर आगे की ओर आ जाए। फिर से पीछे थोड़ा सा जाएंगे, पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपको 3 बार करना है। मैं 2 बार 10th बार हर एक्सरसाइज को बताती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब आप करोगे तो 10-10 का 3 से और कम से कम यहाँ पे 30 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, रुकना है। फिर उसके लिए आपको इस तरीके से आराम से लेट जाना है, दोनों हाथों को इस तरह साइड में लगा दें और धीरे धीरे से अपने कमर को इस तरह ऊपर की ओर उठाना है। और जब ये आपका घुटना है ना, बिल्कुल आपस में सटा हुआ नहीं रहेगा, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे इस तरीके से, पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखेंगे, जितना आपका कंधा है उस हिसाब से आपको अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, पूरा ये घुटना सटेगा नहीं। हाथों को साइड में रखेंगे और धीरे धीरे से इस तरीके से अपने पेट को बिल्कुल ऊपर की ओर उठाना है और यहाँ के कुछ सेकंड के लिए रुकना है। इससे आपके पेट पे ना बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आता है और जो आपका पेट का मसल्स है ना वो सब टाइट होता है। तो इस तरीके से अपने कमर को उठा के यहाँ पे 10-20 सेकंड के लिए रुके, फिर से नीचे की ओर आए, फिर से ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार करें, फिर बिल्कुल आराम एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको अपने पैरों को इस तरीके से, दोनों पैरों को आपस में जोड़कर इस तरीके से लेकर अपने चेस्ट के पास आना है। यहाँ पे इस तरीके से आए, जैसे आप देख सकते हो, बस एक पैर को आपको छोड़ना है और इस तरीके से पैर की एड़ियों को आकर जमीन से टच करना है। बिल्कुल पैर का तलवा पूरा पंजा नहीं होगा टच, सिर्फ पैर की एड़ियों को इस तरीके से करना है। फिर इस पैर को आगे, फिर इस पैर को इस तरीके से करेंगे उठाकर, जैसे 1, फिर दूसरे पैर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार करना है। फिर बिल्कुल एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपको इस तरीके से सीधा लेटना है, दोनों हाथों को साइड में लगा लेना है और सांसें भरना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है। पेट को थोड़ी देर के लिए, जितना देर आप रोक सकते हो सांसों को उतना देर रोकना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है, फिर छोड़ना है। जैसे थोड़ा देर पेट को अंदर की ओर खींचे, फिर रिलैक्स, फिर से पेट को अंदर की ओर खींचे, 10 सेकंड रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड के रुके, फिर से रिलैक्स हो जाएं, फिर से पेट को अंदर की ओर खींचे, कम से कम 10 सेकंड बिल्कुल सीधा पेट को अंदर की ओर दबा कर रखे, खींचे थोड़ा सा, फिर रिलैक्स। तो इस तरह से कम 30 सेकंड आपको यहाँ पे होल्ड करना है
फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स क्लिप ने पैरों को इस तरह करना, हाथों को जैसे साइड में इस तरह से रख लेना है और इस तरह से पैरों को थोड़ा सा अपने इस तरह मोड़ कर आगे लाए, फिर इस तरह बिल्कुल सीधा जैसे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 10th बार करें, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, 20 सेकंड, 30 सेकंड का रेस्ट ले ले, फिर से पैरों को उठाएं, फिर से करें। तो इस तरीके से आपको कम से कम 10-10 का 3 सेट और 30 बार करना है, फिर बिल्कुल एक्सरसाइज है। उसमें आपको अपने पैरों को इस तरह रखना है, सिर को थोड़ा सा ऊपर के उठाना है, हाथों को साइड में, यहाँ 30 सेकंड रुकना है। आप हाथों को ऊपर नीचे करके जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकंड रुके, फिर नीचे, फिर से उठे, फिर 10 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकंड, फिर नीचे। तो इस तरीके से 3 बार जरूर करें, फिर आराम से रिलैक्स। आप थक जाते हो तो बीच में 20 सेकंड, 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। उसके लिए अपने पैरों को इस तरीके से उठा लेना है, हाथों को इस तरह ठुड्डी के पास लगा लेना है, एक पैर को इस तरह नीचे ऊपर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 10-10 30 बार कर ले, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, आराम से आप अपने बेड पर लेट कर इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरह से करना है, फिर एक पैर को हाथों से दूसरे पैर को इस तरीके से पकड़ना है, थोड़ा सा खिंचाव देते हुए अपने पेट पर जोर देना है, हाथ पैर को इस तरह उठाना है। और जिनका भी पेट बहुत ज़्यादा निकला है, शुरू में हो सके आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही आराम से कर पाओगे। यहाँ के आपको 30 सेकंड रुकना है, आप धीरे धीरे करके 1 मिनट तक रुक सकते हो, लेकिन शुरू में आप 10 से 20 सेकंड ही यहाँ पे रुके, 10 सेकंड रुक सकते हो, 10 सेकंड रुके, फिर बिल्कुल आराम से एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको इस तरह सीधा लेट जाना है, दोनों हाथों को इस तरह से कंधों के पास लगा लेना है, सिर को नीचे की ओर सांसें भरना, अपने सिर को इस तरह ऊपर की ओर उठाना है, फिर से सांसें छोड़ते हुए नीचे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीका है। और यहाँ पे आके आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है, फिर बिल्कुल आराम साइज उसके लिए आपको इस तरीके से आराम से बैठ जाना। अगर आप अपने बेड पर कर रहे हो तो आपको बहुत ही आराम से आप कर पाओगे। तो इस तरीके से बैठना है, दोनों हाथों को इस तरह पैर के अंदर से हाथों को इस तरह जोड़ लेना है, जैसे इस तरीके से हाथों को जोड़ लिए, धीरे से लुढ़कते हुए पीछे जाना है, फिर आगे आकर बैठ जाना है इस तरीके से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इस तरह से करना है, 10-10 का 3 सेट 30 बार कर ले, फिर बिल्कुल आइए। उसके लिए दोनों पैरों को इस तरीके से उठाएंगे, हाथों को बिल्कुल साइड में रख सकते हो, सीधा रख सकते हो, अब सीधा ही कोशिश करें या ऊपर, इस तरह से दोनों पैरों को उठाएं और एक साइड में इस तरह से गिराना है अपने सिर को पीछे की ओर। ऐसा करें कि आपका दोनों पैर का पंजा आपस में सटा हुआ रहे, घुटना सटा रहे और ये आके साइड में जमीन में टच हो जाए। यहाँ आके आपको 10-20-30 सेकंड के लिए इस साइड जैसे दोनों साइड रुकना है, उसके बाद इस तरीके से करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट में यहाँ पे 10-20-30 सेकंड के इस तरीके से रुके, फिर बिल्कुल आराम से। उसके लिए आपको इस तरीके से ब्रजासन में आ जाना है, अपने कमर को बिल्कुल दोनों पैरों के एड़ियों के बीच में रख लेना है और धीरे धीरे से इस तरीके से आपको नीचे की ओर जाना है। और शुरू में आपसे हो सकता है कि नहीं हो जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पहले मेरा वजन जब ज़्यादा था तो मुझसे भी नहीं होता था, पर धीरे धीरे पैरों को मोड़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करना स्टार्ट किया तो होने लग गया। और मेरी भी मम्मी हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी भी ट्विंस बेटियाँ जो बड़े ऑपरेशन से हुई है, तो मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, पर इन सब सिंपल एक्सरसाइजेस को करते करते मैंने अपने पेट अपने वजन को कम किया, तो आप भी कर सकते हो। तो बिल्कुल आराम से इस तरीके से आप यहाँ 30 सेकंड रुकने का कोशिश करें, 1 मिनट तक आप यहाँ पे रुक सकते हो, अपने फ़ोन में टाइमर लगाए 1 मिनट तक रुकने का कोशिश करें, हाथों को ऊपर करके पैर इस तरीके से नॉर्मल सांसें लेते हुए, या शुरू में आप 10 सेकंड ही रुके। अगर शुरू में आपसे नहीं हो पाता इस तरीके से
तो आप पीठ के पास यहाँ पे एक तकिया लगा ले, तो आप पीछे पलटने में आपको बहुत आसान होगा, क्योंकि शुरुआत में मैं भी तकिया लगाकर ही करती थी। तो जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है या जिन लोग जल्दी नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पे एक तकिया रख ले यहाँ पे, उसके बाद करें। तो मैंने इस तरीके का तकिया रखकर भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, जो आप जाकर आगे देख सकते हो। उसके बाद आपको आगे इस तरीके से आ जाना है, हाथों को फैलाते हुए सिर को नीचे करके कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करना है, रुकना है, फिर बिल्कुल आराम से। तो दोस्तों, अगर आप रोज बस इतना सा एक्सरसाइज अपने घर पे कर लेते हो, 10 मिनट 15 मिनट ये सब लेट कर कर लेते हो, अपने बेड पर लेट कर कर लेते हो, और अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो, बाहर का जंक फूड छोड़ देते हो, मीठी चीजें मैदे से बनी हुई चीजों को छोड़ देते हो, तो आपका बैली का चाहे जितना भी फैट क्यों ना हो, वो जल्दी से जल्दी खत्म होगा। और सिर्फ आपका पेट का ही मोटापा नहीं जाएगा, आपके शरीर का वजन भी इससे कम होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।